करते हैं कुछ और खबरों की, और आपको लिए चलते हैं कैमूर के एक ऐसे गांव में जहां पर आजादी के 73 साल के बाद भी कोई विवाद गांव से बाहर निकला नहीं। दरअसल गांव के शिव मंदिर में सारे झगड़ों का निपटारा हो जाता है और यहीं पर इंसाफ भी हुआ, लोगों ने उसे खुले दिल से स्वीकार भी किया। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, शिव मंदिर ही नहीं ये न्याय का भी दर है। मंदिर में ही होता है विवादों का निपटारा, वही है फैसला जो पंचों ने कह डाला। देखने से कैमूर के सरिया गांव का ये मंदिर आम मंदिरों से कुछ अलग नजर नहीं आता। दूसरे गांव के मंदिरों की तरह ही इस मंदिर की रचना की गई और देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हैं। लेकिन इस मंदिर में स्थापित शिव की प्रतिमा आम नहीं खास है, क्योंकि ये शिव मूर्ति सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इस गांव के न्यायाधीश भी हैं। दरअसल गांव में अगर कोई विवाद या झगड़ा होता है तो लोग किसी थाना या न्यायालय की शरण में नहीं आते, बल्कि दोनों पक्ष को इस मंदिर में बुलाया जाता है और फिर शिव मूर्ति के सामने गांव के बुजुर्ग जो फैसला सुनाते हैं वही सर्वमान्य होता है। आज तक न केस हुआ है, न मर्डर हुआ है, न कोई प्रकार का दिक्कत है। हम लोग सदा मिलजुल कर रहते हैं। हमारे गांव में झगड़ा होता है लेकिन अपने में हम लोग सुझाव कर लेते हैं, लोग मान जाते हैं। हमारे बाप दादा भी बताते थे कि हम लोग यहाँ पर भाईचारे के नाता से रहते हैं, और आप लोग भी रहिए और नए पीढ़ी को भी हम लोग यही बताते हैं। मोहनिया अनुमंडल से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरैया गांव की आबादी करीब 700 लोगों की है। हालांकि 2014 में इस गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया, लेकिन इतने साल बाद भी विकास की रोशनी इस गांव तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। भले ही ये गांव सरकारी फाइलों में आदर्श ना बना हो, लेकिन इंसाफ के मामले में तो ये सूबे के अन्य गांव के लिए तो आदर्श ही है। इस गांव में ना किसी के पास लाइसेंसी हथियार है और ना ही यहाँ के लोग इसकी जरूरत समझते हैं। तभी तो जिले के एसपी भी कहते हैं कि अगर ऐसे गांव और भी हों तो अपराध का ग्राफ खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। कोई भी मामला होता है आपस में बैठ करके ये फैसला कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के गांव अगर आपस में बैठ के मामलों को सुलझा लें तो पुलिस पर बहुत सारा दबाव जो है अनावश्यक वो कम हो जाएगा। आज जब समाज में अपराध की भरमार है, लोग पंचों की तो क्या कानून का राज भी मानने को तैयार नहीं। ऐसे परिवेश में ये सरैया गांव और यहां का शिव मंदिर सचमुच आदर्श है। ऐसे गांव को विकसित कर देश दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए। मुकुल जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कैमूर।